नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़िंग और मैं हूँ संध्या। 27 जनवरी 2022 को मोराबादी में हुए गोलीकांड के बाद सभी दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया और मोराबादी में धारा 144 लगा दी गई थी, जिसके बाद सभी दुकानदारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन प्रशासन द्वारा एक सकारात्मक कदम उठाते हुए अब उन्हें मोराबादी में ही कहीं और बसाने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है और दुकानदारों की क्या है इस पर राय, आइए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 27 जनवरी को हाई सिक्योरिटी जोन मोराबादी में हुए गोलीकांड के बाद मोराबादी में दुकान लगा रहे दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया था और मोराबादी में धारा 144 लगा दी गई थी, जिसके बाद मोराबादी दुकानदार संघ के लोगों द्वारा इसका पुरजोर आंदोलन किया गया और 6 फरवरी को मान्या पैलेस मुरादाबाद से मोराबादी मैदान तक कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि अगर जल्द से जल्द उन्हें वापस बताया नहीं जाएगा तो 7 तारीख से वह अपनी दुकान वापस से मोराबादी में लगाएंगे। वहीं इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में दुकानदारों को वापस मोराबादी मैसेज फुटबॉल स्टेडियम के समीप एक ग्राउंड में बसाने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज मैदान को समतलीकरण किया जा रहा है। कल से ही सभी 289 दुकानदारों को उस मैदान में दुकान लगाने की अनुमति होगी, साथ ही साथ अब सभी दुकान उस मैदान में ही लगेंगी। जो खुदा देता है वो अच्छा होता है, हम लोग अपना कर्म करेंगे, पहले से भी अच्छा हम अपना व्यवहार रखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी सामान रखेंगे, तो आप रूपी कस्टमर अट्रैक्ट होके हमारे पास आएंगे, हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है ना आप कार्रवाई से निगम जो कर रही है? बंद से तो अच्छा है, कम से कम 2 पैसे आएंगे। बंद है तो हम लोग क्या पा रहे हैं? 10 दिन से जो हम लोग को जो स्थिति दयनीय हो चुकी है वो किसी के सामने तो हम बयान नहीं कर सकते। हमारी स्थिति दयनीय, उससे तो अच्छा होगा कि चलो जहाँ मिल गया हम वहीं रहें। ठीक है, तो कब से आप लोगों को दुकान लगाने दिया जाएगा यहाँ पे, क्या कहा जाए? कलरन हो रहा है, आज शाम से हम लोग अपना काउंटर लाना शुरू कर देंगे। आज इस तरह से नंबरिंग है, 1 से लेके हम लोग 289 तक हम लोग वहाँ लगा देंगे। सबका लाइनिंग हो, रास्ता बनेगा, सबका एक सुविधा होगा और मार्केट टाइप का हम लोग बनाएंगे और हम लोग संतुष्ट हैं। वहीं निगम के इस फैसले से कुछ दुकानदार खुश हैं तो कुछ दुकानदार दुखी भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके लिए जल्द से जल्द परमानेंट जगह अलॉट करे ताकि वे आराम से वहां अपनी दुकान लगा सके। अपने दुकानदार हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो मिल रहा है जगह उसमें क्या कुछ तो चलेगा, हम लोग रोजगार अपना चालू हो जाएगा, सबको हट रहा तो हम लोग भी हटेगा, ये हटेगा तुम सबका आएगा। लेकिन 1 से लेके जो 29 तक दुकान है वो पूरा सीरियल वाइज ही लगेगा, जैसे दुकान वहाँ भी छा के 1 रूम नंबर लगा हुआ उसी का नंबर वाइज। तो इस कार्रवाई से आप खुश हैं? कार्रवाई से हम लोग खुश नहीं है, वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है। आने वाला दिन यहाँ पे भी तो बोला जा सकता है कि फुटबॉल स्टेडियम है, ये भी है, लटपट है, बहुत तरह का बात विवाद किया जाएगा, उस समय भी हटाया जाएगा। जहाँ तक लगे तो बोले कि भैया मेरा गेट है दिया हुआ, गेट हमको यहाँ पे एंट्री करवाना है फुटबॉल मैच दिखाने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो बस जहाँ थे वहीं पर बेस्ट थे हम लोग। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Grid is a small place and we have like very less facilities in terms of, you know, education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Grid, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.